There are big as well as small railway stations. Big stations hum with activities at all hours of the day. The small ones are deserted most of the times. What do you mean by deserted? सुनसान। डेजर्ट में जनरली आप जानते हैं कि रेगिस्तान होता है और दूसरा मीनिंग क्या होता है इसका? सुनसान, राइट? सो डेजर्टेड जैसे आपने सेंटेंस में पढ़ा तो क्या हुआ? डेजर्ट, डेजर्टेड, सुना हो गया, राइट? सो व्हाट इज द सेंटेंस? से वंस अगेन। द स्मॉल वंस आर डेजर्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम। छोटे वाले सूने रहते हैं ज्यादातर समय, तो डेजर्टेड का मतलब सूनापन, और डेजर्टेड कर दिया तो सूने रहते हैं ज्यादातर समय। Many people go to the railway station every day. Some go to receive their friends, other go to see their relatives off. Still other go to board the trains for destination, destinations. Destinations means? Manzil. जनरली मंजिल से मतलब जैसे हम लोग ये समझते हैं मंजिल माने इमारत, तो वो इमारत से मतलब नहीं। यहाँ पे मंजिल जैसे आप करियर की मंजिल भी कह सकते हैं कि तुम्हें क्या बनना है, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन। आई वांट टू बिकम अ सीए, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, राइट? आई वांट टू बिकम अ इंजीनियर, इस तरह से बात करते हैं आप। सो दैट इज अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ योर गोल। जैसे आप टिकट लिया कहीं पे जाना चाहते हैं तो वो भी आपकी मंजिल हो गई, राइट? आप लोकली दिल्ली में भी जा रहे हो लाजपत नगर तक, तो लाजपत नगर आपकी मंजिल होगी। दैट इज नोन एज डेस्टिनेशन, राइट? सर बट बोर्ड, बोर्ड मींस चढ़ना। बोर्ड मीन्स जनरली आप जानते हैं बोर्ड माने लिखने वाला बोर्ड, या किसी भी बोर्ड को आप लकड़ी के बोर्ड को बोर्ड कहते हैं, राइट? सो प्लाई बोर्ड आता है, उसे प्लाई बोर्ड करते हैं। तो ये बोर्ड माने जो है चढ़ना, जैसे आप बस में चढ़ते हो, ट्रेन में चढ़ते हो, तो यहाँ पे ट्रेन में चढ़ना, सवार होने का मीनिंग बोर्ड आया है। जैसे जनरली आप देखते हैं कि जब आप टिकट बनवाते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं, एक फॉर्म में लिखा होता है कि बोर्डिंग एट, यानी आपकी बोर्डिंग कहाँ से होने वाली है। तो बोर्डिंग एट न्यू दिल्ली, राइट? अगर आपकी ट्रेन इस तरफ जा रही है, मुंबई की तरफ जा रही है, तो मैं भी मथुरा। अगर आपकी ट्रेन इस तरफ जा रही है यूपी की तरफ, तो मैं भी गाजियाबाद। सो बोर्डिंग आप कहाँ से चढ़ने वाले हैं? ओके, तो आपने टिकट्स पे लिखा देखा होगा बोर्डिंग एट, जनरली टिकट बनते हैं तो बोर्ड माने सवार होना, कहाँ से आप सवार होने वाले हैं, राइट? अब इसी का आप डी बोर्ड कर दो तो उतरना होता है। बोर्डिंग चढ़ना, बोर्ड मीन्स चढ़ना V1 के तौर पे, और डी बोर्ड उतरना, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन वहां पे उतरने के लिए क्या सेंस इस्तेमाल किया उन्होंने? गोट डाउन, यानी गेट डाउन, ऐसे भी कह सकते हैं, राइट? That is clear? Yes, sir. Last Sunday, I went to the railway station to see my brother off. Brother off. Okay, enough. So you got the meanings? Yes, sir. Which one? बोर्ड का मीनिंग आपको पता चल गया, सवार होना। डेस्टिनेशन मींस मंजिल, और क्या था वहाँ पे? Deserted, सुना रहना, राइट? और एज वेल एज का मीनिंग भी से होता है। एक वहाँ पे था, देयर आर बिग रेलवे स्टेशन एज वेल एज स्मॉल, राइट? बड़े रेलवे स्टेशन भी होते हैं, छोटे भी। तो एज वेल एज का मतलब यहाँ पे भी से, यानी कहते नहीं जिस तरह से बड़े स्टेशन होते हैं उस तरह से छोटे भी होते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस तरह से बड़े स्टेशन होते हैं उस तरह से छोटे भी होते हैं। तो आप इसको भी करके मान के चलो, राइट? कई बार एज वेल करके आता है, राइट? ऑल्सो और टू करके तो आप जानते ही हैं। सो हाउ आर यू डूइंग? डूइंग वंडरफुल। सो इज दिस इंप्रूविंग योर रीडिंग स्किल्स एंड इंग्लिश स्पीकिंग इज ऑल्सो इम्प्रूविंग, राइट? सो इनफ फॉर टुडे, विल कंटिन्यू टुमारो इंशाल्लाह, राइट?